नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा और आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं नौकरियों की। इस देश का युवा मांग रहा है नौकरियां, वो मांग रहा है रोजगार। मगर ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को एक नहीं दो नहीं अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप और SMS के जरिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं नौकरियों की। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा दिसंबर 2014 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी और इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आज से 6 साल पहले, आप खुद सुनिए। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी, आपकी 8 सेकंड की इस बात में मैं बिल्कुल समझ गया कि देश के युवा को चाहिए नौकरी। मगर 6 साल बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं मोदी जी, कि आप हों या आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या उनके संवाद में नौकरियों पर जोर देना कहीं पर भी दिखाई देता है? हालात जब बद से बदतर हो रहे हैं इकॉनमी के, तो आपकी वित्त मंत्री इसे एक्ट ऑफ गॉड बताती हैं और बात वहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री ने कैसे बताया कि यह चीज संभव हो सकती है, यह भी उन्होंने दिसंबर 2014 में बताया था। खुद सुनिए। भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रुखी सुखी रोटी खा सके, ये हमें करना है भाई। मेक इन इंडिया, आज 6 साल बाद दोस्तों ये तमाम चीजें ढकोसला, मजाक और एक आम इंसान के चेहरे पर तमाचे के अलावा कुछ नहीं है। हकीकत यह है दोस्तों कि आज इस देश का युवा रोजगार मांगता है, नौकरी मांगता है और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो तमाम मुद्दे हैं आपके आसपास जो घूम रहे हैं, वो सिवाय आपके मनोरंजन के और कुछ नहीं है, वो सिवाय समाज के अंदर वैमनस्य और नफरत फैलाने के और कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, और वहां बिहार में RJD इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आज सुबह राहुल गांधी ने क्या बयान दिया आपके स्क्रीन्स पर। द पॉलिसीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैव कॉज्ड द लॉस ऑफ क्रोर्स ऑफ जॉब्स एंड हिस्टोरिकल फॉल इन GDP। इट हैज क्रश्ड द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ। लेट्स मेक द गवर्नमेंट लिसन टू देयर वॉइस। जॉइन स्पीक अप फॉर जॉब्स फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स। यानी कि नौकरियों के लिए अपनी आवाज बुलंद करो। नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों, उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, आपने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। आज भी आप 3 काम कर सकते हो। पहला, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, उनको पैसा दीजिए। और तीसरा, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने मित्रों को, ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। कांग्रेस ने इस आंदोलन की शुरुआत की है, मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं उससे पहले, यानी कि कल रात 9 बजे एक बहुत ही दिलचस्प तजुर्बा हुआ उत्तर प्रदेश में। वो था 9:09। जैसे कि आप जानते हैं कि अप्रैल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबसे अपील की थी कि आप लोग छत पर आएं और रात 9 बजे ताली और थाली बजाएं, याद है आपको? वो आप और हम सब छतों पर पहुंच के ताली और थालियां बजा रहे थे। हम में से कुछ लोग इतने महान थे कि उन्होंने ये तक सोचा कि इस तरह से शोर मचाने से कोरोना भाग जाएगा, गो कोरोना गो, याद है कि ये भूल गए आप? तो बिल्कुल उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगुवाई के साथ एक आंदोलन शुरू किया गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि कल रात 9 बजे इस तरह की फेरियां निकाली गई। युवा जो है वो कई जगह पर थालियां और ताली बजा रहा था। ये युवा है जो अपने स्क्रीन पर आप जिस युवा को देख रहे हैं, ये वो युवा है जिसके पास नौकरियां नहीं है। मैं जानता हूं कि इस आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक ताकत है, यकीनन, मगर ये दोनों मुद्दे अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, इकॉनमी और रोजगार। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 4 महीने में इस लॉकडाउन में इस आंकड़े के मुताबिक कम से कम 2 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं। और आखिर कौन भूल सकता है GDP में ऐतिहासिक गिरावट। मगर मैं आपको दिखलाना चाहूंगा किस तरह से 9 बजे 9 मिनट का यह आंदोलन कल उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर देखा गया। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से युवा सामने आया और उसने अपनी बात रखी। मैं फिर बतला दूं, इसके पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक ताकत भी है। मगर सच यही है कि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष को इन्हीं जरूरी मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए। धर्म, कंगना मंगना, इन चीजों में अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। देखिए, कंगना जैसे मुद्दों पर आपका मनोरंजन हो सकता है, मगर आप जरूरत से ज्यादा ऐसे गैर जरूरी मुद्दों पर ध्यान देंगे तो कंगना रनावत का जो काम चल रहा है वो तो चलता रहेगा, उनका अपना काम, आपकी हालत मांगने वाली हो जाएगी। कृपया इन चीजों से दूर रहें। और मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तल्ख तेवर अपनाए। 9 बजे 9 मिनट को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, उनकी रुकी हुई भर्तियों की ज्वाइनिंग, परीक्षाओं की डेट, नई नौकरियों की नोटिफिकेशन, सही भर्ती प्रक्रिया और ज्यादा से ज्यादा नौकरियां चाहिए। इसके बदले सरकार कोरे भाषण, लाठियां और उपेक्षा देती है। आखिर कब तक? 9 बजे 9 मिनट प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रियंका इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत में खासी सक्रिय हो गई हैं। आपके स्क्रीन पर यह समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो 9 बजे 9 मिनट में युवाओं के साथ अपनी जो है अपना समर्थन जतलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह के मार्ग जो है आपने कई जगहों पर देखी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी, जहां इस साल चुनाव हो सकते हैं, वहां पर भी RJD ने तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। क्या कहा है RJD सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने आपकी स्क्रीन पर? करोड़ों युवाओं के जीवन से बेरोजगारी का अंधेरा भगाने और एक नया बिहार बनाने के लिए आज 9 तारीख को रात्रि 9 बजे 9 मिनट तक लालटेन जलाकर बेरोजगारी के खिलाफ चल रही मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये बिहार में जो बेरोजगारी है उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। 9 बजे 9 मिनट। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि RJD के ट्विटर हैंडल पर भी उसी तरह के तेवर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सबसे दुख की बात यह है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अभी कुछ ही दिनों पहले देश की आर्थिक सेहत पर ताजा GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद जारी हुई, और इसमें आपने देखा कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो ऐतिहासिक -24% 24% नीचे आ गिरा। मगर क्या आप जानते हैं कि अगर हम असल GDP कैलकुलेट करें, क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो असंगठित क्षेत्र है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, असंगठित क्षेत्र और MSMEs को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जानकार मानते हैं अगर उनको भी शामिल किया जाता तो GDP की हालत और भी बदतर होती। मेरे सहयोगी पौरुंजय गुहा ठाकुरता ने बात की प्रोफेसर अरुण कुमार से।
उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। अगर ये हम मान लें कि जो अप्रैल में जब जो लॉकडाउन हुआ पूरी तरह, तो अर्थव्यवस्था 75% गिर गई और मई में थोड़ी बहुत बढ़ी तो 60% पे आई और जून में 50%, और उसका एवरेज अगर निकाले तीनों का तो -58% आता है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि -40% से भी ज्यादा की गिरावट आई अर्थव्यवस्था में, क्योंकि असंगठित क्षेत्र को जोड़ लें तो जबरदस्त गिरावट है। और ये जो 23.9 है ये तो सही आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसको तो खुद ही सरकार कह रही है कि ये तो रिवाइज होगा, और ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ संघर्ष क्षेत्र के भी पूरी तरह से नहीं है, तो इसलिए ये सारा कुछ रिवाइज होने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि कृषि में भी गिरावट है, ऐसा नहीं है कृषि में बढ़त है, क्योंकि उसमें हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर ये सब में गिरावट हुई। फिर जो किसान है उसको MSP नहीं मिला तो वहां पे उसकी आमदनी कम हो गई, तो किसानों में भी क्राइसिस हुआ। हालांकि अब फसल बढ़ गई जैसे फूड ग्रेन्स और पल्सेस की, लेकिन वहां पे भी परेशानी आई क्योंकि MSP नहीं मिला, सामान जब बाजार में आ नहीं पाया, तो कुल मिला के आमदनी बहुत ज्यादा गिरी, सारे असंगठित क्षेत्र की गिरी, और मेरा मानना है कि करीब 20 करोड़ लोगों का काम चला गया। तो जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा, चिंताजनक बात है, और क्यों है मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा। भारत का जो अनौपचारिक सेक्टर है ना, जो असंगठित क्षेत्र है, वो हमारी इकोनॉमी का करीब 80-90% है। जब साल 2008 और 2009 में दक्षिण पूर्व एशिया में और दुनिया भर में मंदी छाई थी, तो उस वक्त भारत पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा था, इसे आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो बदस्तूर चल रहा था, वो हमारी रीढ़ बनकर उभरा था। मगर 2016 में नोटबंदी और GST के अजीबो गरीब तरीके से लागू होने के बाद जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और अब जो कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ उसमें पूरी तरह से तबाही हुई। लिहाजा हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो करीब 80-90% हमारी इकोनॉमी का, वो धराशायी हो गया। यही वजह है कि अब GDP की हालत और भी बदतर है। अब दूसरे पहलू पर गौर कीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर इन तीन लोगों पर पड़ा है। पहला दिहाड़ी मजदूर, दूसरा घरेलू मजदूर यानी कि जो आपके घरों में लोग काम करते हैं, और तीसरा जो है फैक्ट्रीज में काम करने वाले, क्योंकि कई फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, कई उद्योग बंद हो रहे हैं, बड़ी तादाद में बंद हो रहे हैं, और यकीन मानिए अभी तो महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बदतर होंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज की तारीख में इस देश के सामने अगर कोई अहम मुद्दा है तो वो है नौकरियां, रोजगार। इसके अलावा जो भी मुद्दे हैं वो सिर्फ शोर है और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैंने इन दो लोगों से बात की, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर्स हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में, समाजवादी पार्टी और RJD। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया से मैंने ये सवाल पूछा कि अनुराग मुझे ये बताइए कि 9:09 क्यों जरूरी है। अफसर जी, पहली बार ऐसा है हमारे देश और प्रदेश के अंदर में कि युवा बेरोजगार है, उसके साथ साथ उनके माँ बाप भी बेरोजगार हो गए, पूरा का पूरा घर बेरोजगार हो गया। तब अंदाजा लगा सकते हैं घर कैसे चलेगा, जरूरतें कैसी पूरी होंगी। लगातार जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास में काम नहीं है, किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी की वजह से लोग अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। तो सरकार को समाजवादी लोग बता देना चाहते हैं कि देखिए सरकार, आपके घरों में तो उजाला है लेकिन जनता के घर में अंधेरा है, जिनको आप वादा करके आए थे कि हम अच्छे दिन लेके आएंगे। ये अच्छे दिन है कि पूरा का पूरा परिवार बेरोजगार हो चुका है, ये समाज का असली मुद्दा है जिसपे सरकार बात नहीं करना चाहती। यही सवाल मैंने पूछा RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा से, उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए अफसर जी, 9 तारीख को 9:09 तक जो ये पूरे देश में कमोबेश जो जैसे युवाओं ने आगे बढ़ करके एक प्रतीक के रूप में अंधेरा करके रोशनी का सुराग, कहीं लालटेन, कहीं दिया, कहीं मोमबत्ती, कहीं मशाल, ये एक संदेश, और इस संदेश के पीछे वजह है कि हमारे मुल्क में जो हालात है, मौजूदा सूरत हाल है, GDP खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं -23.9%, बेरोजगारी मैं समझता हूं कि हम सब ने अपनी स्मृति में ये चरम देखा नहीं था, अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र लहूलुहान है, कोरोना संक्रमण से प्रतिदिन 1,100-1,200 जाने जा रही है, हम 1,00,000 पर डे के स्पाइक में पहुंच चुके हैं, लेकिन विमर्श का, सामूहिक चिंता का, सरकार की समझ का, बेरोजगारों को आप इस तरह के तमाशे में नहीं उलझा सकते प्रदीप में।
कि मोर को दाना खिला रहे हैं, उसको अपनी थाली दिख रही है, अपने परिवार का भविष्य दिख रहा है। मैं समझता हूं एक प्रतीक के रूप में कल एक संदेश साफ तौर पर गया है कि युवा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आपसे अक्सर कहा है कि न्यूज चैनल्स मत देखिए, न्यूज चैनल्स आपके और हमारे परिवारों के हितों के दुश्मन है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस देश में सबसे जरूरी मुद्दा है नौकरियां और रोजगार, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तवज्जो मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स नहीं देते। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर भारत के अंदर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद, और बड़ी तादाद में किसानों को जो आत्महत्या करनी पड़ रही है, या जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें आत्महत्या करनी पड़ रही है, ये तस्वीर या ये खबर उनके पहले पन्ने पर है। और ये खबर क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लॉकडाउन एंड डेस्पेयर, सो डेथ इन रूरल इंडिया, यानी कि लॉकडाउन और लोगों में जो मायूसी है उसके चलते ग्रामीण भारत के कई इलाकों में लोग जो हैं वो आत्महत्या तक करने को मजबूर हैं। तो ये खबर जब न्यूयॉर्क टाइम्स तक में है, तो हमारे जो मेनस्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल्स हैं या अखबार हैं, इनके पहले पन्ने में इसे बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है। न्यूज चैनल्स की पहली हेडलाइन होना चाहिए था नौकरी, मगर इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये तमाम न्यूज चैनल्स आपके और मेरे परिवार के हितैषी कतई नहीं हो सकते। मगर सवाल ये, जब मीडिया एक जमीन तैयार कर रहा है, सरकार भी नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर आपका ध्यान जाए, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? क्या विपक्ष इस वैक्यूम को संबोधित कर सकता है? क्या विपक्ष ये जो खाली जगह बनी हुई है संवाद का, राजनीतिक संवाद का, उसे भर सकती है? जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये दो पॉलिटिकल पार्टीज एक अहम किरदार निभाने वाली हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। मैंने उनके प्रवक्ताओं और उनके सांसदों से बात की। सबसे पहले सुनिए आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए अभिसार जी, जहां तक राष्ट्रीय जनता दल का प्रश्न है बीजेपी को जवाब दे सकने की, तो ये देखिए आवाम पक्ष में खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि लोग अब उन प्रतीकों पर, उन माध्यमों पर, उन चीज स्पेक्टिकल पर बात नहीं करना चाहते। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी ने एक पूरी टीम गठित की है जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो अर्थव्यवस्था में कैसे हम बदलाव लाएंगे बिहार में, नियोजन और नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर के हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, अर्बन इम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, रूरल इम्प्लॉयमेंट को कैसे हम ऑगमेंट करेंगे, टोनअप करेंगे, ये सारी चीजें एक दस्तावेज के रूप में, एक ड्यूएबल फॉर्मेट में बिहार के समक्ष होगा। और मैं समझता हूं कि बिहार की आवाम, बिहार के लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि हम जो एक खाका लेकर के आ रहे हैं, प्रारूप लेकर के आ रहे हैं, वो प्रारूप बीजेपी के डपोर शंख पे, डपोर शंख की राजनीति पे भारी पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। जैसा कि आप जानते हैं कि 9:09 में अपना समर्थन देते दिखाई दिए थे अखिलेश यादव इस तस्वीर में, और खुद समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि वो इस मुद्दे पर राजनीतिक संवाद की जो कमी है उसमें और बल दे सकती है, और वो एक माकूल विकल्प है। क्या कहना है समाजवादी पार्टी का, आप खुद सुनिए। अफसर जी, आप अच्छी तरह जानते हो कि समाजवादी लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, और 2012 से 2017 तक हमने काम करके दिखाया है। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाई, बेरोजगारी भत्ता दिया, लैपटॉप दिया, 100 डायल दिया, 1090 दिए, स्टेडियम दिया, रिवर भी फ्रंट बनाए, बेरोजगारी भत्ता भी हमने दिया, बुजुर्गों को भी भत्ता हमने दिया। आप सोचो यहाँ पे इंडस्ट्री हम लेके आए लगातार, ये सैमसंग की इंडस्ट्री हम लेके आए, HCL की लेके आए, और हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा। तो विकास की बात कौन करता है, समाजवादी लोग। हॉस्पिटल बनाने का किसने काम किया, समाजवादी ने, जो आज कोरोना काल में काम आ रहा है। तो लोगों को एहसास हो रहा है कि समाजवादी हमेशा डेवलपमेंट की बात करती थी, और भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है, और जाति धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि लोग ज्यादातर परेशान हो गए। इस देश के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके पास इस वक्त कोई भी प्लान नहीं है इस मुद्दे को संबोधित करने को लेकर। कोई प्लान नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि वो अंधेरे में तीर चला रही है। यह समस्या उसे महज एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की करनी दिखाई दे रही है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है।